बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ग्रेड 6। सबा हयात बेटा, हमारा यूनिट नंबर 3 में जो लेक्चर चल रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल्स। आज हम डिस्कस करेंगे इनिट और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये है तो पुरानी टर्म्स है, आपने बार बार सीखी हुई भी है कि इनिट और नंबर, लेकिन हर टर्म जो है आपको पता है मैथमेटिक्स की प्रीवियस से रिलेटेड होती है, थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है, थोड़ा सा उसको ज़्यादा मॉडिफाई करके समझा दिया जाता है। ठीक है, पहले तो मैं आपको इनिशियली स्टेज की इनके डेफिनेशन बता दूँ कि इवन ऑड प्राइम और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। सभी जानते हैं मोस्टली बच्चे कि इवन नंबर आर दोज नंबर विच डिवाइडेड बाय वन, ठीक है, विच डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, और ऑड नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, ये तो इन दोनों का डिफरेंस, मेन जो डिफरेंस है वो क्या है कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से मुकम्मल डिवाइड हो जाए, और ऑड नंबर कौन से होते हैं जो दो से डिवाइड ना हो सके। अच्छा, प्राइम और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच डिवाइडेड बाय वन और बाय इटसेल्फ, जो खुद से डिवाइड हो या वन से डिवाइड। वन तो सबका ही फैक्टर है, वन जो है वो सबका फैक्टर है। फिर हम आते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच डिवाइडेड बाय टू और मोर देन टू टेबल, जो कि दो या दो से ज्यादा टेबल से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब इवन और प्राइम एंड ऑड इन कंपोजिट नंबर में स्लाइटली डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम नंबर में मैंने क्या कहा था, क्या दोज नंबर विच डिवाइडेड बाय वन और बाय इटसेल्फ 21 है। ठीक है, 21 ओड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। 21 एक ओड नंबर जरूर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। ठीक है, इसके ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है लेकिन वैसे ओड नंबर है। ठीक, इसी तरीके से इवन जो है, इवन नंबर 2 है, 2 एक इवन नंबर है लेकिन 2 इवन होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी है, क्योंकि इवन नंबर इसलिए कि ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, लेकिन प्राइम इसलिए कि ये खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, इवन नंबर की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है कि हर वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 या 0 आए, यूनिट प्लेस पर ये नंबर्स आए, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8, 0 आए, वो नंबर 2 से डिवाइड होने वाला या इवन नंबर है। ठीक है, और ओड नंबर जो है वो इसके अलावा नंबर होते हैं। प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर वो नंबर है, अगर हम कुछ नंबर उठाते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अब देखें, ये इवन है, इवन नंबर है लेकिन प्राइम नंबर है। 3 ये एक ओड नंबर है, प्राइम नंबर है। 4 इवन नंबर है बट कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 5 इवन नंबर ओड नंबर है और प्राइम नंबर है। 6 जो है इवन नंबर और कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से 7 जो है वो ओड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। सही है, 8 जो है वो इवन नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। ठीक है, इसी तरीके से 9 जो है वो एक ओड नंबर है लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्राइम नंबर और ओड नंबर में, क्योंकि ओड नंबर तो जो है वो सिर्फ कौन से नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो सके, बाकी टेबल से डिवाइड हो जाए, लेकिन प्राइम नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड ही ना हो सके। अच्छा, अब आता है कि जब हम फाइंड करते हैं, फाइंड अगर हमें करना होता है ना, बहुत सारे नंबर्स होते हैं उनमें से प्राइम नंबर फाइंड करने होते हैं ना, इवन ओड तो इजीली फाइंड हो जाते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन है, नहीं डिवाइड हो रहा तो वो ओड है। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल है हमारे पास मैथ में, पेज नंबर 41 पर देखें आप कि ये एक इसमें एक मेथडोलॉजी दी गई है कि हाउ टू फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन द 100। ठीक है, 100 तक हमारे पास काउंटिंग है, 100 तक हमारे पास काउंट है, मैं 10 तक लिख के देख रहा हूँ, 100 तक एक चार्ट बना लेते हैं या फिर पेज पर दिया हुआ है 41 पर। तो हम प्राइम नंबर कैसे फाइंड करेंगे? आप पहली लाइन में देखें 1 से लेकर 10 तक, 1 को हटा दें, ठीक है, 1 को हमने हटा दिया, 1 तो सबके फैक्टर है ऑलमोस्ट ना, 2 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं? ठीक है, आपके पास कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं? हमारे पास आ रहे हैं 2, 3, 5 और 7, ये प्राइम नंबर आ रहे हैं। अब आपने 100
एक्टिविटी भी है करके भी देखिएगा और चेक भी करवाइएगा करके, आपको बहुत इजीएस्ट वे लगेगा, ठीक है, कि 100 तक में अगर आपको फाइंड करने प्राइम नंबर, आपके पास पहली लाइन में 2 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर निकलते हैं, 2, 3, 5 और 7, ठीक है। अब 11 से आप शुरू करें, 11 से शुरू करें या 2 से शुरू कर दें, हर वो नंबर जो है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 100 तक जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, आप उसको कट करते जाएं, 100 तक काउंटिंग लिख ली, 100 तक काउंटिंग में जो जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है उसे आप कट कर दें, ठीक है। फिर दूसरा प्राइम नंबर क्या है, 3। उसके बाद अच्छा, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर तमाम वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 कोई भी नंबर है उसको आपने कट कर देना, कि ये पूरे पूरे डिवाइड होने वाले। फिर उठाएंगे आप दूसरा प्राइम नंबर 3 का। अब जो 3 से डिवाइड होने वाले या 3 के जो जो टेबल में आते हैं, जो जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, आपने उन पर भी कट कर देना है, उसका पर कट का या क्रॉस का निशान लगा देना है। तीसरा प्राइम नंबर है 5, ठीक है। अब ये कुछ नंबर तो 2 और 3 से हमारे डिवाइड हो गए होंगे, जब हमने 5 नंबर उठाए तो कुछ नंबर जो है 5 के टेबल में आ रहे हैं, 100 तक जो जो नंबर 5 के टेबल में आ रहे हैं आपने उनको कट कर देना है। सेम एज जब आप 7 पर पहुंचेंगे तो मोस्टली नंबर आपके कट हो चुके होंगे, ठीक है, थोड़े बहुत जो नंबर रहेंगे उनको आपने कट कर देना है। जब 7 से आपने डिवाइड होने वाले नंबर्स को अलग कर दिया, अब जो 100 में से बाकी नंबर बच गए वो सारे प्राइम नंबर है 100 के, ठीक है। तो ये इजीली आप इसको फाइंड कर लोगे, क्योंकि वैसे प्राइम नंबर फाइंड करने बड़ा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया 43, एकदम से माइंड में नहीं आता कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, यहाँ कह दिया 47 क्या नंबर है, यहाँ है 87, ठीक है। लेकिन इनको अलग अलग फाइंड करने के लिए ना 100 में से आउट ऑफ 100 अगर हमें प्राइम नंबर फाइंड करने हैं तो आपने क्या करना है कि 100 में पहले शुरू के 10 नंबर में से आपने प्राइम नंबर अलग करना है। शुरू के 10 नंबर में से प्राइम नंबर निकलते हैं 4, ठीक है, 4 प्राइम नंबर निकलते हैं 2, 3, 5 और 7। पहले तमाम 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को अलग कर लिया, उसके बाद 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स पर क्रॉस का निशान लगा दिया, अलग कर दिया। 2 और 3 से डिवाइड होने वाले नंबर जब हम सॉल्व कर लेंगे तो बहुत से नंबर 5 के तो उसमें डिवाइड हो चुके होंगे, चंद एक नंबर रह जाएंगे वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, और 7 से डिवाइड होने वाले तो बहुत ही कम नंबर रह जाएंगे, 21 भी 3 से डिवाइड हो गया होगा, 28 2 से डिवाइड हो चुका होगा, 35 5 से डिवाइड हो चुका होगा, 42 2 से डिवाइड हो चुका होगा, इस तरीके से बहुत से नंबर जो है वो ऑलरेडी डिवाइड हो चुके होंगे। फिर जो बचेंगे वो आपने 7 के टेबल में देख लेते हैं कौन कौन से 7 के टेबल में आ रहे हैं, उनको डिवाइड कर देना है। अब जो 100 में से बचे वो 100 तक के प्राइम नंबर्स हैं तो आप इजीली उनको अलग कर लेंगे। ये एक टेबल आपने बनानी है, दी हुई भी है बुक पर पेज नंबर 41 पर, ठीक है। ये एक्टिविटीज करके जरूर देखिएगा, मुझे चेक भी करवाइएगा। अच्छा, अब आते हैं हम डायरी की तरफ बेटा। डायरी है आपकी पेज नंबर 42, एक्सरसाइज नंबर 3 भी। अच्छा, क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ओड एंड द इवन नंबर। यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं, उनमें से ना इवन और ओड को अलग अलग करना है, लेकिन डिवीजन मेथड आपने अप्लाई नहीं करना। आपने क्या करना है कि जो 2 से डिवाइड होने वाले को आइडेंटिफाई करना है, कैसे 2 से मतलब डिवाइड होने वाले नंबर है कि जिनके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 8, 6 आएगा, उन तमाम को आपने इवन के कॉलम में रख देना है, बाकी जो बचे उनको ओड के कॉलम में, सही है। तीसरा सवाल है आपका, लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। देखें, जैसे मैंने 100 तक सुनाया, 50 से लेकर 75 तक नंबर्स हैं, आपने उसमें प्राइम नंबर निकालने तरीका मैंने आपको समझा दिया है कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर एक तरफ कर दो, 3 से होने वाले कर दो, 5 से होने वाले कर दो, बाकी जो आपके बचेंगे, बाकी जो आपके बचेंगे 7 से डिवाइड होने वाले नंबर सेपरेट कर दो, बाकी जो आपके बचेंगे वो होंगे प्राइम नंबर। 100 तक में से नहीं निकालने, जस्ट 50 और 75 के दरमियान से निकालने, ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारे पास, ठीक है, एक आपकी एक्टिविटी हो गई, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 42। ये आपकी इवन और प्राइम कंपोजिट नंबर से डायरी है, ठीक है बेटा। हमारा ये तकरीबन इसके बाद एक लेक्चर इसका और होगा जिसमें मैं आपको ट्विंस प्राइम नंबर्स और के प्राइम नंबर्स किस तरीके से कुछ कंजक्टिव नंबर को जब हम सम अप आता है तो हम उसको फाइंड कर लो किन 3 नंबर का ये सम अप होकर आया है, ये है एक लेक्चर आपको इंशाल्लाह। इसके बाद एक यूनिट नंबर 3 भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
और कोई डिफिकल्टी हो, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर सवाल सॉल्व करने में कोई मसला है, डायरीज की सॉल्विंग में कोई मसला है, तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब तक के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।